अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये अपने घर की, मतलब हम रेंट पे दे चुके थे और अब ये खाली हो चुका है घर। तो अगेन हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और आज से हमारा कंटिन्यू वीलॉग क्रिएट होगा। और ये विंडो है, ये बाहर का रास्ता है और ये हमारी कबर्ड है। यहाँ की सफाई हो चुकी है, अभी सिर्फ कुछ चीज़ें ही आई हैं, कंप्यूटर और ये सारिंग, हमारा बेटा सारिंग ये फोटोशॉप पे काम कर रहा है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। और ये क्लास 7 में जो है ये पढ़ते हैं और ये ओ लेवल कर रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारी सारी सफाई हो चुकी है, हमारी कबर्ड्स हैं ये, और यहाँ पर हमारे जो पहले डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे थे, यहाँ कपड़े हैंग होते थे, यहाँ पर कपड़े थे, यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक्स भी यहीं रखा हुआ था। तो ये सफाई हो चुकी है, उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेट करनी है, सामान ला के। अभी पूरा घर खाली पड़ा है और ये अटैच बाथ है और फिलहाल है यहाँ कोई नहीं है, मतलब कुछ सामान नहीं है। अभी ये सारा घर खाली पड़ा है और किचन का रिसेंटली ही अभी अभी सामान आया है थोड़ा सा, तो इसकी भी सफाई कर ली थी। सारे ये कैबिनेट्स हैं और ये खाली पड़े हैं सब फिलहाल, तो इसमें सामान अभी जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। और अभी हमें बनाना पड़ रही है दाल। और एक और मसला है, फ्रिज के साइडों में से पेंट उतर गया था, तो उसको पेंट करवाने के लिए कंपनी वाले ले गए हैं, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये लहसुन प्याज ऐसे ही रखा है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म की, ये राइस रखे हुए हैं, खिचड़ी, और सर्दी है तो भी सही चल गया, ये सामान ये आटा है, और अभी सारा कुछ खाली पड़ा है। तो ये हम सारा सामान यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सेट करेंगे पूरा घर। वीडियो हम बनाते जाएंगे, अभी सारा एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ पे कुरान शरीफ और इस्लामिक बुक्स रखी हुई हैं, इनको भी सेट करना, ये चेंज रख दिया था और ये सब खाली है। तो ये सारा जो है ये किचन सेट होगा, इसको हमने यहाँ नहीं रखा, इसलिए कुकिंग रेंज भी है, ओवन भी है, लेकिन हमने एक छोटे टेबल पे ही इसको सेट किया फिलहाल। ये छोटा चूल्हा, मतलब जो 2 चूल्हे हैं, ये 3 ये हमने सेट कर लिए हैं, और इसके बाद हम कुकिंग रेंज हम बाद में यहाँ पे सेट करेंगे। अब हम इसमें दाल मसाला डालते हैं, बाकी भी हल्दी और मिर्चें भी हम ऐड करते हैं, तो ये सब डाल के और फिर इसको पकने के लिए रखना है। तो ये दाल मसाला डाल रहे हैं आज, तो दाल मसाला डल गया है और हमें चूल्हा चलाना पड़ेगा। तो अब हम एक हाथ से कैसे चलाएं, तो हमें कुछ ट्रिक्स करना पड़ेंगी। तो ट्रिक्स ये है कि हम इसको चलाने के लिए, लाइटर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कई बार लिए हैं लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं। अब हम ये चूल्हे को ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो नहीं रहा है, ये ओपन अब हो गया है, इसकी आदत नहीं रही, कुकिंग रेंज के चूल्हे को ही जलाते हैं, तो फिर ये अब चला रहे हैं, तो ये चल जाए, बस चल जाए, ओ चल गया। तो फिर जो है चूल्हा भी जल चुका है, शुक्र है, आज काफ़ी महीनों के बाद हम इस घर में खाना
बनाने के लिए आए हैं, और ये खत्म। ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं। जली हुई तिली कभी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उससे आग लग सकती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से हम बुझा दें, बुझा के ही फेंकते हैं। तो ये जो है इसमें डल चुका है। अब हमें इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, तो हम पहले इसको वॉश करें। वैसे धुला हुआ है तो सामान में से आया है, तो इसको धोना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम धोते हैं। इसको मैं ऐसे किया, एक ही हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है, तो इसको चला दिया। अब इसमें डालना है लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक के लिए तो अभी कुछ आया नहीं, तो मैं इसको भी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसको जैसे तैसे हम इसको डालें, कैसे डालें, थोड़ा तो डल ही जाएगा जैसे भी। तो इसको हाथ से भी डाल सकते हैं, हाथ किसे दिए हैं अल्लाह ने, तो हम हाथ से भी डाल सकते हैं। हाथ को धो लेंगे, चमचे तो है नहीं यहाँ पे, भी सामान आया नहीं है सारा, तो जैसे सामान आएगा तो हम जो है हाथ साफ थे। तो ये लहसुन पेस्ट इसमें हाथ से डालना पड़ा और हाथ को वॉश करना पड़ रहा है, तो वरना बहुत स्मेल हो जाती है। और ये लहसुन अदरक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालना पड़ेगी। हल्दी हल्दी कहाँ है, हल्दी ये रही, तो हल्दी को भी हम अंदाजे से डालते हैं। थोड़ी तो उस दाल मसाले में होती, बट थोड़ी सी और डाल दी। और इसके अलावा हमें डालना पड़ेगा सॉल्ट। ये सॉल्ट है, अभी बहुत कम चीज़ें चाय की और दाल बनाने की आ गई थी, तो मैं इसलिए अरे इसी में जैसे तैसे करना पड़ेगा। खारी चीज़ें नहीं है, बर्तन भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं आया है। तो ये जो है टी बैग, शुगर है, नमक है, हल्दी है, मिर्चें हैं, और ये मैंने पाउडर, और ये है चिली गार्लिक फ्राइज के लिए मसाला। तो फिर जो है हम ये दाल मसाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दाल मसाला ही नहीं होता, इसके अलावा सारी चीज़ें भी डालना पड़ती हैं दाल में। तो ये दाल जो है अब पक रही है, ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, 1 घंटे में तकरीबन। तो इसके बाद हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, मशीन लगी हुई है, ड्राई हो रहे हैं, वो उनको भी सुखाना है। तो जब तक ये दाल रेडी होती है, और उसके बाद आगे की वीडियो चलेगी, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अच्छे कमेंट्स भी दें प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।